हेलो गाइस, तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मार्केट और पतली गली से बदल के जाते हैं। ये हमारी गली है और पास में ही हम लोग हमारे मार्केट में ये सब मिल जाता है जो नजदीकी मार्केट है। और जा रहे हैं रक्षाबंधन की शॉपिंग करने, यानी राखी लेने। तो अभी यार हरा है, बीच में हरा है, हरा है। राखी खरीदेंगे अपने भैया के लिए, रीत के लिए। अच्छा जी, मेरी जेनी आई है। जिम्मी और जेनी दोनों लोग बांधेंगी, दो राखी लेंगी। तो यहाँ पे अभी हम लोग आ गए मार्केट राखी खरीदने के लिए, और हम लोग राखी बहुत जल्दी ले रहे हैं, 4-6 दिन पहले, इसलिए क्योंकि लास्ट में भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है और मुझे काम भी था घर पे और जाना नहीं होता मार्केट, तो हम लोग इसीलिए आराम से गए और आराम से राखी वाखी लेके आ गए हैं। और इसके बाद हम लोग आ गए थे मॉल में, मॉल में मुझे कुछ कपड़े वगैरह खरीदने थे, तो हम और जैन ने सबने कपड़े वपड़े खरीदे। इसके बाद अचानक से ना महिला पुलिस जो आ रही थी वो अचानक से हम लोग को रोकी एकदम से, तो हम लोग डर गए कि हाँ क्या गलती हो गई। तो खैर ये लोग तो अपना हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कि हम लोग यहाँ पर रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं अपनी ननद के यहाँ, भाई दीदी के यहाँ कथा है, पार्लर सुबह कथा है, शाम को माइन का बर्थडे है। तो यहाँ तो अभी कथा के लिए हम लोग रेडी हुए हैं और निकल रहे हैं। बेटू आगे गाड़ी में बैठी है, क्या हुआ? शाम के टाइम चले आए हैं और आज ना एक हादसा हुआ रितु भाभी के साथ। मैंने पर्स ले लिया, तो चलते हैं अभी। देखो दीदी, देखो कैसे बाय कर दो, बाय। तो अभी तक था दोपहर का क्लिप जहाँ पे गाना और कथा पूजा पाठ हो गया है, फिर ये शाम की क्लिप है जहाँ पे हम लोग घर वापस आ गए थे और फिर से रेडी होके गए हैं पार्टी के लिए। और दीदी ने हाँ ग्रीन कोट रखा था, ये बाद में वो बताई थी कि हाँ लगभग लोग ग्रीन पहन के आना तो बहुत अच्छा लगेगा, खुद भी अपना पहनी थी। तो यहाँ पर हम लोग भी रेडी हो गए हैं। और मैं बता दूँ एक बात कि मैं पिछली 3 पार्टी से लगातार नहीं छोड़ के, मतलब मैं ये साड़ी पहन रही हूँ क्योंकि सावन भी चल रहा है तो मेरा मन बहुत करता है, मुझे अच्छी भी बहुत लगती है साड़ी। और इसके आज जो है हम लोग जा रहे हैं ऊपर पार्टी में। और हाँ दीदी के यहाँ कथा में हम लोग बहुत लेट पहुँचे थे, जो कि देखा आप लोगों ने ब्लॉग में कि मैं आरती के टाइम पहुँची थी, कथा वगैरह सारा सब हो चुका था। क्या करूँ, बच्ची भी है छोटी सी, तो टाइम लग जाता है, हो नहीं पाता इतनी सुबह, और सुबह सुबह का दीदी के यहाँ काम था। तो फिर फाइनली अभी यहाँ पे हो केक हो कट होने जा रहा है, पार्टी होने जा रही ऊपर, मतलब हम लोग आ गए हैं। और ये हैं मेरे छोटे जीजा जी जो कि यहाँ पे डेकोरेट कर रहे हैं, केक वगैरह अपना लगा रहे हैं। और ये है सारी महफिल, उधर खाने का मतलब सारी व्यवस्था थी उधर पास ही में, और यहाँ पे मतलब लिमिटेड लोग थे, हम ही लोग थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, पार्टी में कोई वो नहीं था, बहुत इन्जॉय किए हम लोग। और ये है मेरी क्यूट सी भांजी जो कि अभी वहाँ पर लगी हुई हैं अपना केक कट करवाने में, उनकी उनकी पूरी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ भैया का केक मिल जाए। क्या डरती नहीं है? ले 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 ले। Happy birthday to you.
रहे हैं क्या? मुंह चल रहा है, आंख में कुछ नहीं है। क्या जी जी, क्या हादसा हो गया? कौन सा हादसा हो गया? कुटिया फुला रहे थे गले में। अब उसको वापस लाने की कोशिश करिए। अभी आकाना खा रहे थे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग कह दिया ना। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए, हम लोग कल हमारे घर पूजा है, तो इसीलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बेलपत्र मतलब इतने टाइम ही रेडी करके रख लेंगे, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी है, 8 बजे पंडित जी आ जाएंगे, तो टाइम लगेगा ये सब करने में। यहाँ पे देखिए, ये हम पत्ती साफ करके धो के दे रहे हैं, और ये अपना लिख रहे हैं, हम भी लिख रहे हैं, और 108 पत्ती है, तो टाइम लगेगा लिखने में, तीनों पत्तियों पे लिखना होता है। तो अभी हम लोगों ने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, कल ऐसे यही ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, ताकि हम सुबह अगर ना कर पाए, अगर ना भाभी हाँ। ताकि ना हम कर पाए अगर ब्लॉग स्टार्ट, तो अभी से स्टार्ट रहेगा, और कल बहुत जल्दी जल्दी रहेगी। देखते हैं कहाँ तक, क्या हम कितना ब्लॉग शूट कर पाते हैं। हाँ, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने लिख लिया है, और बेटू वहां भी खेल रही है। तो ये रही मेरी कल की तैयारी, जो कि आज ही रात को मैंने प्रिपेयरिंग सारी कर ली है, और कल सुबह उठ के बस हम लोगों को नहा धो के और पूजा के लिए बैठ जाना है, पंडित जी जल्दी आ जाएंगे। तो और कल का ब्लॉग जो है दूसरे ब्लॉग में, मतलब कल का ब्लॉग जो है नए ब्लॉग में होगा, मतलब आज मैंने इसको बस थोड़ा सा दिखा दिया है, कल मैं मतलब नए सिरे से मतलब बनाऊँगी ब्लॉग। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पर सारे मेरे हेल्पर बैठे हुए हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।